दोस्तों आदि पुरुष फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, जिसके चलते अब आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत सीधा पहुंच गए हैं बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री जी के पास। देखिए आदि पुरुष फिल्म के रिलीज होने के बाद जैसे ही लोगों ने फिल्म देखी तो लोगों ने इस फिल्म को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पता चला कि इस फिल्म में हनुमान जी और श्री राम का किस तरीके से अनादर दिखाया गया है। और यहां तक कि इस फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने तो हनुमान जी को सेवक भी बोल दिया था कि वो भगवान नहीं है, वो केवल एक सेवक है, जिसके चलते बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और आदि पुरुष के स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर को तो खरी खोटी भी सुना दी थी। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि आप सबको पता है कि आदि पुरुष का क्या हाल हुआ है और आदि पुरुष को पूर्णतः बहुमत के साथ बॉयकॉट कर दिया है और बहुत सारे जगहों पर तो इस फिल्म पर बैन भी लग गया है। और दोस्तों इसी कारण अब लग रहा है कि ओम रावत जो कि आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने पहुंचे तो उनको पहले ही गेट पर रोक लिया गया, क्योंकि लोगों ने उनको पहचान लिया और फिर लोगों ने उनको खूब खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री जी को पता चला कि आज उनसे मिलने के लिए आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत पहुंचे हैं तो उन्होंने ओम रावत को भीड़ से बुलाने की बजाय दूसरे रास्ते से बुलवाया और उनसे बातें भी की और फिर धीरेंद्र शास्त्री जी ने ओम रावत को अच्छी खरी खोटी भी सुनाई कि आखिर तुम अपने ही भगवान हमारे परम पूज्य श्री राम और भगवान हनुमान जी का अनादर क्यों करते हो और आखिर तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे की कि अपनी फिल्म में हनुमान जी को इतने बेकार रूप में दिखाओ। जिसके चलते ऐसा बताया जा रहा है कि ओम रावत ने धीरेंद्र शास्त्री जी से माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि आगे से उनकी फिल्मों में ऐसा कभी भी नहीं होगा और फिर उनसे माफी भी मांगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ओम रावत का ये अपनी छवि सुधारने का एक नया प्रपंच है या फिर सच में ही उनको दिल से बुरा लगा है आदि पुरुष फिल्म बनाने का? दोस्तों इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।